नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको गोभी की फसल तैयार करने के बारे में बताएंगे ये किस प्रकार तैयार की जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें कोई अच्छी सी वैरायटी लेकर जो आपके क्षेत्र में अच्छी चलती हो, समय के अनुसार अपनी पौध तैयार कर लें, क्योंकि दोस्तों हर महीने की गोभी अलग होती है। पौध तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जिस समय आप पौध लगा रहे हैं उसी समय की वो बीज होना चाहिए। तो दोस्तों, पौध तैयार करने के बाद इस प्रकार अपने ज़मीन को तैयार कर लें, इसमें गोबर का खाद या बर्मी कंपोस्ट मिला दें। अगर आप ये नहीं मिलाते हैं तो आप रासायनिक खाद DAP या NPK भी डाल सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद ये नालियां तैयार कर लें, और नालियां तैयार करने के बाद ये जो नालियां हैं ये उत्तर और दक्षिण नालियां हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। तो हमें जो गोभी की पौध लगानी है वो यहाँ पर लगानी है, यानी कि पूरब की साइड में लगानी है, जिससे सूर्य का जो प्रकाश है वो अच्छा मिले, क्योंकि ठंड में सूर्य का प्रकाश जब ज़्यादा मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया अच्छी होगी और हमारे जो पौधे हैं अच्छे से ग्रो करेंगे। और दोस्तों, इस प्रकार जब ये नालियाँ तैयार हो जाएं तो आप इसे यहाँ पर पौध लगा दें, और पौध लगाने के बाद हल्की सी सिंचाई कर दें। सिंचाई इतनी होनी चाहिए कि ज़्यादा भरनी भी नहीं चाहिए, और जो पौधे की जो जड़ है वहाँ पर नमी पहुँच जानी चाहिए। और दोस्तों, जब ये ठीक से पौधे हमारे सेट हो जाएं और नमी थोड़ी कम हो जाए तो इसकी निराई गुड़ाई करनी रहना चाहिए। समय से जब निराई गुड़ाई करेंगे तो हमारे पौधे अच्छे से ग्रो करेंगे, और पौधे ग्रो जब करेंगे तो हमारी जो फसल होगी अच्छी होगी। आप देख सकते हैं इस गोभी को लगे हुए 15 दिन हो गए हैं, और 15 दिन में ये अच्छा विकास करने लगी है। इसमें एक बार निराई गुड़ाई हो चुकी है और इसमें पानी लग चुका है। और दोस्तों, ये जो फसल है हमारी लगभग 40 दिन की हो गई है, और 40 दिन बाद ये जो पौधा है आप देख सकते हैं अच्छा ग्रो कर रहा है, अच्छा विकास कर रहा है। और दोस्तों, यदि आप देखते हैं कि हमारी गोभी अच्छे से ग्रो नहीं कर रही है तो हम इसमें फर्टिलाइज़र डालते हैं, वो निराई पर गुड़ाई पर डालते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी भी इस समय निराई गुड़ाई पर NPK नहीं डालना चाहिए। NPK की जगह हमें DAP डालनी चाहिए, क्योंकि DAP अच्छी विकास करती है पौधे का और अच्छा ग्रो करती है। और जो NPK है उसका जो प्रयोग हमें हमेशा मिट्टी में मिलाने के लिए करना चाहिए, यानी कि फसल लगने से पहले ही हमें मिट्टी में NPK का प्रयोग करना चाहिए, और खड़ी फसल में निराई गुड़ाई पर हमें DAP का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारे अच्छे पौधे ग्रो करेंगे और अच्छा विकास होगा, हमें अच्छी फसल मिलेगी। ये जो फसल हो गई है ये लगाने के बाद 60 दिन की हो गई है, और 60 दिन के बाद किसी किसी वैरायटी में 70 दिन में, और किसी में 80 दिन में, और किसी वैरायटी में लगने के बाद 90 दिन में फूल तैयार हो जाते हैं। अब इसमें फूल आने शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों, इस प्रकार यदि कोई इसमें कीड़ा लगता है, कोई बीमारी आती है, उसकी भी देखभाल करते रहें। और आप अगर चाहते हैं तो हमसे कॉमेंट्स में भी मालूम कर सकते हैं कि इसमें कौन सी दवाई लगेगी, क्या परेशानी है, आप मालूम कर सकते हैं। और दोस्तों, ये इसमें अब आप देख सकते हैं छोटा फूल ये बनना तैयार शुरू हो चुका है, ये आप देख चुके हैं। और ये करीब 20 दिन बाद ये गोभी चल पड़ेगी और अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।